हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता जायसवाल और मैं आज आप सबके लिए एक नया रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। ये रिव्यू है पॉन्ड्स बीबी क्रीम के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका प्राइस आपको बता देती हूँ। ये 78 रुपीज़ का मार्केट में आपको मिलेगा और एक्सपायरी यहाँ पर दी हुई है। मैंने इसे नायका से ऑर्डर करके मंगाया था। नायका में ये इंडिविजुअली मैंने मतलब नहीं मंगाया था, इसे मैंने एक ग्लैम बॉक्स नया जब आया था तो उसमें मैंने इसे मंगाया था। तो 200 समथिंग में मुझे ये और एक लिप क्रीम वगैरह मिल गई थी, तो मेरे लिए अच्छा था ऑनलाइन इसे मंगाना। तो और मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था, तो मैंने पहली बार यूज़ करना था, उसके अकॉर्डिंग मंगाया था। इसका आप साइज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इतना भी छोटा नहीं है, क्वांटिटी भी इसकी अच्छी खासी है और देख सकते हैं आप इसे मैंने अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। मैं ऐसी चीज़ आपको दिखाती हूँ जिसे मैंने यूज़ किया है और मतलब अच्छी है और मैंने बहुत यूज़ किया है, तो अच्छाई बुराई तो वो मैं आपको इसमें बता ही दूँगी कि क्या चीज़ इसकी अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम आएगा वाइट पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी बेबी क्रीम है। ये ऑल इन वन है और फेयरनेस क्रीम है, SPF 30 है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है SPF इसमें। और पैकेजिंग आपको दिखाई दी, बाहर की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही थोड़ा ये पुराना है, तो मैंने उसको तो कहीं डंप कर दिया है। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप की ट्यूब है, अपने हाथ पे थोड़ा सा अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये सबके फेस पर काम करता है। एक देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका जो भी ये फाउंडेशन बेस है, ये बहुत अच्छा है। अगर आप फाउंडेशन नहीं लेना चाहती हैं डेली बेसिस के लिए, जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो मैंने अपलोड की थी बैग से रिलेटेड कि हाँ बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए, तो अगर आप फाउंडेशन नहीं रखना चाहती हैं तो आप ये बेबी क्रीम भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगा लिया है, इस वजह से बहुत ब्राइट भी लग रहा है। ऐसा होता नहीं, आप तो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही लेंगी। कैमरे पे थोड़ा ब्राइट लग भी रहा है, अगर आप मेरे हाथ को सामने से देखेंगे तो एकदम अच्छा है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका और ये मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं क्योंकि फाउंडेशन वगैरह जब कुछ अच्छा ओकेजन बड़ा ओकेजन होता है तो मैं लगाती हूँ। ये कंसीलर के लिए भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, अंडर आई पे कवर करने के लिए। फाउंडेशन के बाद मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे हाईलाइट करने के लिए कुछ जगह चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, तो मैं इसे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि एक चीज़ से दो काम हो रहा है तो और उससे अच्छा क्या होगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ का फर्क देखिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है और बहुत आराम से ये ब्लेंड हो गया। देख सकते हैं आप, मैंने हाथ से ही किया है, कोई ब्लेंडर या ब्रश नहीं लिया है। तो आप अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ये अगर बिगनर्स हैं आप, और ये आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा आपकी मार्केट में, लोकल मार्केट में आप इसको परचेस कर सकते हैं। और 78 रुपीज़ या 90 रुपीज़ भी अब शायद हो गया होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे पता है आपको इससे कोई कंप्लेन नहीं होगी कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और ऐसा रहता है कि कंप्लेन होगा, हाँ। लेकिन मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, देख सकते हैं अभी ट्यूब पूरा देखिए एकदम एम्प्टी हो गया। मैं इसे निकाल रही थी, बहुत मुश्किल से निकाला है, एक ही दो बार का रह भी गया है इसमें, और मैं इसे फिर से ख़रीदने वाली हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगी, आपके पास ये होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, आप बहुत टाइम से सोच रही हो इसे खरीदना और आप कन्फ्यूज़ होंगी कि मुझे लेना चाहिए या नहीं या कितने का आता है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी देख सकें और समझ सकें अगर उनके लिए हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।